हेलो एवरीवन, टुडेज योर टॉपिक इज नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 इन एनसीईआरटी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज योर टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स वी टेक एनी वैल्यू इन क्यू बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, वी टेक एनी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एज योर बेस बट वी डोंट टेक जीरो। सो our solution is yes, 0 is a rational number. It can be written as 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3, 0 upon 4 etc. okay, in the form p upon q where value of p and q are integer. Okay, and q is not equal to 0. Okay, so let's continue question number. And question number second is find 6 rational number between 3 and 4. Okay, हमको बताना है इनके बीच में 6 rational number, ठीक है? So first you look how many number we find, 6, ठीक है? तो required number will be 6 और उसमें एक ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस वन। तो 6 प्लस वन कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। हमको जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करना होता है वो वैल्यू में प्लस वन कर देना होता है, ठीक है। जैसे 5 होता है यहाँ पर तो 5 प्लस वन कर देते, 3 होता तो 3 प्लस वन कर देते, यहाँ पर 6 है इसलिए क्या कर देंगे, 6 प्लस वन कितना हो जाएगा हमारा, 7, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर, 7, ठीक है। यहाँ पर अगर आ गया हमारा 7 तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी नंबर वैल्यू क्या है, 3 और 4, तो 3 और 4 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। सो 3 × 7 / 7 इक्वल 3 × 7, 3 × 7 = 21 एंड सेकेंड नंबर इज 4 × 7 = 28, ठीक है। सो हमें नंबर कौन सा मिल गया, हमें नंबर मिल गया 21/7 और दूसरा नंबर हमारा है 28/7। तो इनके बीच की जो संख्याएं हैं, ठीक है, इनके जो बीच की संख्या है वही हमारे क्या होगी, रेशनल नंबर। और इनके बीच में संख्या कौन कौन सी मिलती है हमको, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, ठीक है। और हमारा डिनोमिनेटर फॉर्म क्या है, वो है 7, तो सब में अपॉन में क्या लगा देंगे, 7। तो 27, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 रेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन 3 और 4 कैन बी फाइंड बाय वेरीफाई द न्यूमरेटर बिटवीन 21 और 27, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 4 इज नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अ फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। ओके, वी फाइंड द वैल्यू इन ट्रू अ फॉल्स, ओके, एंड ऑल्सो गिव इन अ रीजन, ओके। इफ वैल्यू इज ट्रू वाई ट्रू एंड इफ वैल्यू इज फॉल्स सो वाई फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ओके। सो आंसर इज ट्रू। Why? Because all the natural number means 0. All the natural number means 1, 2, 3, 4, 5. That is infinite. And in whole number, we only include 0 in a natural number. So, all the natural number is a whole number. Okay? True, since the collection of whole numbers contain all the natural numbers. And in addition, 0. Okay? Means, in natural number, we only include 0. And second one is every integer is a whole number. Every integer is a whole number. And every integer means integer, they are two types,
पॉजिटिव एंड निगेटिव. ओके सो हेयर सेकेंड वन इज फॉल्स. निगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर. ओके निगेटिव नंबर इज नॉट अ होल नंबर. दैट्स ओके. एंड थर्ड पार्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. रेशनल नंबर मीन्स विच वैल्यू यू लुक इन पी अपॉन क्यू फॉर्म. ओके रेशनल नंबर मीन्स विच वैल्यू यू लुक इन पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके एंड होल नंबर इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव. ओके इन होल नंबर वी डोंट लाइक एनी फ्रैक्शन पार्ट. ओके बट इन रेशनल नंबर वी राइट एनी वैल्यू इन अ फ्रैक्शन फॉर्म. तो थर्ड पार्ट इज अवर फॉल्स. नंबर सच एज टू अपॉन थ्री थ्री अपॉन फोर माइनस थ्री अपॉन फाइव इट इज आर रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर. नाउ क्लियर एवरीवन. रेशनल नंबर वी राइट एनी नंबर इन पी अपॉन क्यू फॉर्म एंड होल नंबर इज वी राइट इन जीरो टू इन्फिनाइट मीन्स जीरो टू अवर काउंटिंग वैल्यू इज ऑल्सो इंक्लूडिंग होल नंबर. ठीक है दैट्स ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.